आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बलूचिस्तान के बारे में। इस समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से रात के 2:30 बज रहे हैं और रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है जो BLA ने कंडक्ट किया है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इसकी इंटेंसिटी और लॉसेस को कंफर्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो फुटेजेस निकल कर आ रही हैं वो दिखा रही हैं कि ये चीज काफी बड़ी है। माना जा रहा है कि ये फुटेजेस जो निकल कर आ रही हैं वो बोलान इलाके की है और स्पेसिफिकली माज सिटी के अंदर बलोच लिबरेशन फाइटर्स की तरफ से एक इंटेंस अटैक किया गया है। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से यहाँ पर एक पूरा ऑपरेशन इनिशिएट किया गया है जिसका नाम है दर्राए बोलान, और ये लोग इस समय पूरे इलाके के ऊपर लगातार अटैक कर रहे हैं। इन अटैक्स के दौरान पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस और पुलिस को टारगेट किया जा रहा है, साथ ही प्रिजन में जो लोग बंद हैं उनको फ्री कराने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये चीज क्लियर है कि बलोच लिबरेशन फाइटर्स अपनी आजादी को लेकर लगातार पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग छेड़े हुए हैं। पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से कई बार बहुत ज्यादा ब्रूटल तरीके से क्रैकडाउन किए गए हैं, लेकिन जो लोग ह्यूमन साइकोलॉजी समझते हैं उनको पता है कि जितना ज्यादा ब्रूटल क्रैकडाउन किया जाता है रिटेलिएशन उतना ही ज्यादा इंटेंस होता है। और इसी वजह से कहा जाता है कि जब भी आप किसी कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो सॉल्यूशन पॉलिटिकल ढूंढना चाहिए। जब आप पॉलिटिकल सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं तब आप दूसरी पार्टी के सामने कुछ टर्म्स रखते हैं जिसमें से कुछ नेगोशिएबल होती हैं और कुछ नॉन नेगोशिएबल। नेगोशिएशन के दौरान कोशिश की जाती है कि एक विन विन सॉल्यूशन निकाला जाए जिससे दोनों पार्टीज को फायदा हो, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी की अप्रोच हमेशा से मस्कुलर रही है और उनकी तरफ से हमेशा कोशिश की जाती है कि अगर आप कॉन्फ्लिक्ट को खत्म ना कर पाए तो कॉन्फ्लिक्ट करने वाले लोगों को ही खत्म कर दीजिए, जैसा कि उन लोगों ने बांग्लादेश में करने की कोशिश की थी और अब बलूचिस्तान में करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट और स्पेसिफिकली पाकिस्तान आर्मी की ये मस्कुलर पॉलिसी उनके काम नहीं आई है, ना ये बांग्लादेश में काम की थी और ना ही ये बलूचिस्तान में काम कर रही है। लेकिन पाकिस्तानी फोर्सेस का मानना है कि BLA एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, उनके पास ना ज्यादा हथियार है, ना ज्यादा लोग हैं और ना ही उनको कोई एक बड़ा देश बैक कर रहा है। देखिए, आज की तारीख में हमास से लेकर हिजबुल्ला तक हर किसी के पास में ड्रोन्स हैं, हर किसी के पास में रॉकेट्स हैं और हर कोई स्मार्ट एम्युनेशन यूज कर रहा है, लेकिन BLA आज भी ट्रेडिशनल तरीके से लड़ रही है और ये चीज दिखाता है कि कोई भी देश उनको यहाँ पर बैक नहीं कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये चीज कही जाती रही है कि भारत BLA को सपोर्ट कर रहे हैं, और पहले भारत अफगानिस्तान के रास्ते TTP और BLA को सपोर्ट करता था और अब ईरान के रास्ते भारत सपोर्ट कर रहा है। देखिए, अगर भारत खुलकर BLA को सपोर्ट करना शुरू कर देगा तो चीजें पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं BLA को लेकर भारत की पॉलिसी थोड़ा डिफरेंट है और भारत की तरफ से फिलहाल BLA को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। वैसे बोलान इलाके की अगर आप जियोग्राफी भी समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इलाका काफी कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स और वैलीज हैं। यानी कि इन अटैक्स को एग्जीक्यूट करने के बाद में BLA काफी आसानी से यहाँ से मूव आउट कर सकता है और नेचुरली इसके तुरंत बाद पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से जो अप्रोच यूज की जाएगी वो हेलीकॉप्टर गनशिप्स होंगे। यानी कि पाकिस्तानी आर्मी यहाँ पर बहुत ही हेवी फायर यूज करने वाली है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा फायदा यहाँ पर नहीं होगा। हालांकि पंजाब में ऑप्टिक्स के लिए ये चीज काफी बेहतरीन रहेगी और क्योंकि 2-4 हेलीकॉप्टर गनशिप वहाँ पर उड़ते हुए नजर आएंगे तो पाकिस्तानी आर्मी पंजाब को कन्विंस कर पाएगी कि उनकी तरफ से आतंकवादियों के खिलाफ अटैक किया जा चुका है। देखिए, BLA का दर्राए बोलान एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है और लगभग 70 किलोमीटर की रेडियस यूज करते हुए उन्होंने एक बहुत बड़े इलाके के ऊपर हमला किया है। जो फुटेजेस हम लोगों को देखने मिल रही हैं, नेचुरली पाकिस्तानीज के पास में और ज्यादा फुटेजेस का एक्सेस होगा और इसी वजह से पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर यहाँ पर और ज्यादा प्रेशर होगा कि वो और ज्यादा ब्रूटल तरीके से BLA के खिलाफ अटैक करें। और नेचुरल है कि अगर पाकिस्तानी आर्मी BLA के खिलाफ बहुत ज्यादा ब्रूटल तरीके से रिएक्ट करेगी तो उसके रेस्पॉन्स में दोबारा इस तरीके का एक ऑपरेशन किया जाएगा और ये साइकिल चलती रहेगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स। जय हिंद।